साथियों, इस देश का कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो ये नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा कि हमारी सेना आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो? हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्रभक्त यही चाहेगा। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, 30 साल से ज्यादा समय से हमारे देश की वायुसेना में एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं जुड़ा। पुराने होते हमारे विमान हादसों का शिकार होते रहे, हमारे फाइटर पायलट्स शहीद होते रहे, लेकिन जिन लोगों पर नए विमान खरीदने की जिम्मेदारी थी, उन्हें जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। क्या हम ऐसा ही चलते रहने देते? क्या ऐसे ही वायुसेना को कमजोर होने देते? जी नहीं। 3 दशक से जो काम लटका हुआ था, वो हमने शुरू करवाया। आज मुझे संतोष है कि देश को 3 दशक के इंतजार के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन राफेल मिल गया है। बहुत जल्द वो भारत के आसमान में उड़ेगा। साथियों, हमारे यहां ऐसी भी सरकारें रही हैं, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्हें जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने तक में तकलीफ थी। वर्ष 2009 से हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्या मेरा जवान ऐसे ही आतंकियों की, नक्सलियों की गोलियों का शिकार होता रहता है? उसने देश के लिए मरने की कसम खाई है, लेकिन उसकी जान हमारे जैसों से कई ज्यादा कीमती है। और इसलिए हमारी सरकार ने न सिर्फ जवानों के लिए पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का आदेश दिया, बल्कि अब तो भारत दूसरे देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्यात की ओर बढ़ रहा है।